में सरेआम गुंडागर्दी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके कुछ ही देर पहले यहाँ पर गंडासे चले, लाठियां चली है और काफी मुठभेड़ हुई है। आपको वो दिखाना चाहूंगी तस्वीरें। एक गाड़ी है जो कुछ देर पहले, इस गाड़ी में दो यहाँ पर काफी लोग थे और यहाँ पर पुलिस भी इस वक्त मौजूद है और यहाँ के जो काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आए थे, यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है और कुछ देर पहले भी काफ़ी सारे लोग चले गए। यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके से ये जो गाड़ी है उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। देखिए, हर जगह से इसको मारा गया है। यहाँ पर इसकी, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पूरे शीशे इसके टूट कर चकनाचूर हो चुके हैं इस गाड़ी के सभी शीशे। ये देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो गुंडागर्दी या सरेआम चल रही है बीच सड़क पर, सरे रहा ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या कुछ हुआ है यहाँ से चश्मदीद गवाह जो यहाँ पर सब मौजूद थे, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ। अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। लव कुश। क्या कुछ हुआ उस वक्त जब आपने देखा और कितने बजे की घटना है? जो ये जाखल से ये गाड़ी आई और दूसरी गाड़ी उधर से आई, ये एक दूसरे गाड़ी में मार दी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद गाड़ियाँ थी, ये गाड़ी खड़ी है ग्रे कलर की, दूसरी गाड़ी डिजायर थी। इन्होंने एक दूसरे में यहाँ खंबे के पास गाड़ी भिड़ा के, उसके बाद चार लोग, ये तीन लोग ये निकले, दो तीन लोग वो निकले। इसमें से जो आदमी निकले थे उनमें से एक महिलाएं थी जो जिन्हें गंडासा उठा हुआ था, एक के पास लट था, दूसरे आदमी के पास गंडासा था। जो डिजायर से आदमी निकला, उसने निकलने के बाद ना उसको गंडासे मारे इन गाड़ी वालों ने, उस आदमी को उसकी लात तोड़ दिए, सिर में गंडासा मारा उसके, ठीक है। उसके बाद मैं वोट सेल से वहाँ से भाग के आया, मैंने लड़ाई छिड़वाई। अच्छा। मैं कहा मर जाएगा, जो डिजायर वाले थे मैं उनको बोला आदमी मर जाएगा, तुम ले जाओ। उन्होंने आदमी डिजायर में गिर के फट्टड़ आदमी को, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करी वहाँ से, ऐसे घुमा के गाड़ी ला के यहाँ पे इसके बीच में मारी। ये देखो चिप पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बार फिर उसने स्टार्ट की तो एक महिला आ गई सामने, उसने महिला को उड़ा दिया, महिला वहाँ पे गिर गई, उसका बचत रह गया, बचो हो गया, वो वहाँ पे जाए खड़ गई। दो आदमी यहाँ पे खड़े थे, इधरली साइड महिला, वहाँ पे जेंट्स था। उसके बाद फिर वो जाने लगे वहाँ नीम के पास खड़ गए, उसने गाड़ी 10 मिनट तक यहाँ वहाँ घुमाई। मैं उसको बोला, मैंने गाली गोली निकाली, मैं देख दोस्त अगर उन्हें दो गंडासे और मार दिए तो ये मर जाएगा। मैंने उठा के उसको गाड़ी में डलवा दिया, डिजायर गाड़ी थी, मैं कहा भाई इसको ले जाओ। उन्होंने आदमी को डिजायर में डालने के बाद इसकी तोड़ा फोड़ी की। मैंने पूछा क्या रोला है, कहता आपस में दो भाइयों का रोला है, बाकी हमको नहीं पता ये कौन से गाँव के हैं, कौन से शहर के हैं, कहाँ के हैं। मैं जाखल का रहने वाला हूँ, जो इंसानियत के नाते मुझे करना था वो मैंने कर दिया। लड़ाई छिड़वानी थी, मैंने लड़ाई छिड़वा दी, उन आदमियों को भेजना था मैंने भेज दिया, बाकी जो जिसको जैसे चंगा लगता है वो ठीक है। वो लोग नशे में लग रहे थे? मुझे नहीं पता सर, मैडम जी मैंने जरूर पी हुई है, मैं उनका नहीं जानता, मैंने जरूर पी रखी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी वो कहाँ, लोग कितने लोग थे कुल मिलाकर ये? इसमें दो महिला और दो जेंट्स, चार लोग उसमें, तीन थे। जिसमें से एक बुजुर्ग था, एक है था 30-35 साल का, दूसरा भी 30-35 साल का था, ये उनमें से एक बुजुर्ग था। अच्छा, 50 कितने की लगी उसकी? एक लात तोड़ दी यहाँ पे गंडासा मार के। हाँ। ये लात ऐसे लटक गई। अच्छा जी। उसके सिर में गंडासा मारा है, वो खून नम खून है, वहाँ से उठा के गाड़ी में डाला है, वो वहाँ पे दिख रहा है झाड़ियों के पास। अच्छा। तो डिजायर को भी काफी नुकसान हुआ है गाड़ी के? डिजायर को भी, उसका शीशा शुशा टूटा हुआ, गंडासे मारे उन्होंने डिजायर के पीछे भी, आगे भी, साइड शूड में भी, उन्होंने लाके डिजायर इसके बीच में ठोक दी। ठीक है, तो फिर आपने पुलिस को कब कंप्लेंट की? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा जी। ये सर को पता है इन्होंने किसने फोन किया किसने नहीं किया? मैंने किसी को इतलाह नहीं किया। चलिए ठीक है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जो ये कुछ घटना हुई, क्या कुछ हुआ थोड़ा बता सकते हैं? जी मैडम, हमारे इंचार्ज को फोन किया, किसी ने भी किया होगा, तभी हम आए तो यहाँ पर मौका देखा गया, दो पार्टियाँ भागी हुई थी, यहाँ पर कोई नहीं मिला, गाड़ी बीच में खड़ी थी, मैंने थोड़ी साइड में लगवा दी, आने जाने वाले को दिक्कत ना आई, इसे दो एक पार्टियां यहाँ पर नहीं थी जिस टाइम हम पहुँचे हैं यहाँ पर। अब से यानी कि 20-25 मिनट पहले की बात है। अच्छा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन गई थी, ठीक है, उसी टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज भी आपने खंगाल लिया? नहीं सर, अभी की बात है ना, अभी आगे। अच्छा, क्या कुछ मतलब आप क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी? कार्रवाई जो कार्रवाई बनेगी इन्हें बंद कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हाँ, तो जो यहाँ से भागे उनका कुछ पता लग पाया? नहीं, मैंने सुना है नहीं, इंचार्ज का फोन आया था, भी कुछ बंदे दाखिल हो गए हैं। अच्छा जी। हॉस्पिटल में? कौन सा हॉस्पिटल में? ऐसे नहीं पता जी, नहीं तो कुछ फोन आया था ना। अच्छा जी। अब हम पता करेंगे, जान भी लेंगे सारा कुछ, जो कुछ जो कार्रवाई होगी वही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से सभी ने बताया कि
इस गाड़ी में और दो गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हुई, काफ़ी गुंडागर्दी की गई जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी है, टांग टूटी है, उसके सर में भी चोट आई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल अभी कुछ देर पहले घटना यानी अभी 9:15 हुए हैं और करीब ये 8:30 की घटना बताई जा रही है कि इस वक्त हुई है। और ये घटना मैं बता दूं कि जो रॉयल सेलिब्रेशन नाम का कोई पैलेस है वहाँ पर ये घटना हुई, उसके सामने हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दो गाड़ियाँ आई, एक ये गाड़ी है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगी क्या कुछ हालत इसकी हुई है और तोड़ी गई है बहुत बुरी तरीके से, इसके साथ बर्बरता की गई है। और इसी के साथ ही जो दूसरी गाड़ी है स्विफ्ट, उसका भी बताया जा रहा है कि उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। और उसके बाद तेज़ रफ्तार से जो जितने भी लोग थे वो उस गाड़ी में चले जा चुके हैं। जब तक पुलिस आई तब तक सभी फरार हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश चल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासा होगा और आखिर ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था वो आखिर क्यों हो रहा था और किस वजह से हो रहा था, इसमें अपडेट होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए एवन पंजाब के साथ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।